press the bell icon on the YouTube app and never. अभी कुछ जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पर। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में बड़े ही जबरदस्त तरीके से हरा दिया है। तो हमने देखा ग्राउंड के बाहर भारत के जो फैंस है उनका उत्साह जो था वो देखने लायक था। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे इंडियन फैंस का रिएक्शन जो कि खुद ग्राउंड में मौजूद थे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान की बैटिंग को क्या मशवरा दोगे? क्या किया उनको? सबको नेट प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्टार्टिंग से पूरा सीखना चाहिए, गेम का कोई सेंस होना चाहिए और थोड़ा सा ध्यान से अक्कल से सिचुएशन समझ के खेलनी चाहिए। सिक्स एंड ओवर चाहिए था, कुछ भी नहीं था टारगेट में। सबको मालूम था आउटफील्ड थोड़ा वीक है, स्लो है। थोड़ा सेंसिबली बैटिंग करते तो जीता है, पर पाकिस्तान पाकिस्तान है, क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको ये वाली खुशी भी देनी थी। ओ या, ये वाली खुशी हमें, थैंक यू वेरी मच, ये खुशी के लिए हम कभी नहीं भूलेंगे। बस ऐसी खुशियां देते रहे, छोड़े ना कभी भी। आप हमारे पड़ोसी है, खुशियां देते रहे और हम लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और हम लोग मौका देते रहेंगे, हम लोग मौका देंगे आपको जीतने का, बट हम लोग मौका वापस ले लेंगे जीतने का। सिर्फ यही बोलना है दैट they should take a flight from JFK to Karachi and go back and probably get some more practice done and then come back and then maybe done them. और वो $25-25 डॉलर वाले जो डिनर करा रहे हैं ना, वो बंद करा दो। $25-25 वाले डॉलर के वो डिनर, क्या बात होगी यार। $5-5 डॉलर में फोटो खिंचवा रहे या फंड रेस कर दिया है यार। खेलनी है, अच्छी क्रिकेट खेलो, यानी दिल से प्रैक्टिस करो, करते रहो, फिर भी कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की बैटिंग तो बहुत बुरी हुई है ना, क्या कहेंगे आप? खाना पीना चाहिए और सो जाना चाहिए। इंडिया इज द वन, इंडिया इज ग्रेट। यार एज ए इंडियन क्या कहोगे? हमारा असेसमेंट तो ये है कि बहुत ही हॉरिबल खेले। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि जो भारत की टीम 18.5 ओवर में ही सिमट गई कि वो कभी जीतेंगे, इतना गंदा खेले। पाकिस्तान की टीम लाइक वेरी वेरी बैड, लाइक उनको बैटिंग बेटर करनी चाहिए थी और बिल्कुल जीता जिताया मैच अपने हाथ से निकाल दिया उन्होंने, खुद अपने सेल्फ उसके कारण। इनसे पूछिए, हमारे दोस्त हैं। सर आपको कितना दुख हुआ है पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस देखकर? देखें, मेरा इस बारे में ये राय है कि असल में ये टीम का प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान के पूरे मुल्क का एक प्रॉब्लम है। अब हमने इमरान खान जैसे लीडर को अब जेल में नाजायज बंद करके रखा ना, अल्लाह ताला हमें बदनसीबी से हमें ये उसकी सजा दे रहा है। खेला था स्टार्टिंग में, बट बाद में इंडिया जीत गया, जीत गया, इंडिया जीत गया। हम सब लोग क्रिकेट के फैन हैं, मैं क्रिकेट टर्म्स में पूछता हूं, आप पाकिस्तानी टीम की बैटिंग में आपको क्या लैग क्या दिखाई दिया है, मशवरा क्या देंगे? बैटिंग उनकी स्टार्टिंग में अच्छी थी बट वो परफॉर्म अच्छी तरह ढंग से नहीं कर पाए। प्रेशर, दे कैन नॉट हैंडल द प्रेशर, दे कैन नॉट हैंडल द प्रेशर। कैसा लगा, आप खुश है? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पहले से ही पता था कि आज इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडियन टीम ऐसी नहीं है कि बाबर आजम गया तो पीछे कोई खेलेगा नहीं। रिजवान ने बहुत अच्छा खेला, नसीम शाह ने बहुत अच्छा खेला, बट सेम एफर्ट्स हमें सब प्लेयर्स से चाहिए। वंस रिजवान इज गॉन, पाकिस्तान इज गॉन, ऐसा कब तक चलेगा? और इंडियन क्रिकेट टीम में देखें, कोहली जी को वन डाउन भेजना था, वन डाउन भेजते तो वो बहुत अच्छा खेल पाते, बट स्टिल रोहित जी गए, कोहली जी गए, लेकिन बाकी पूरी टीम ने एक स्कोर दिया, स्टिल दे डिड देयर बेस्ट। सो कब तक पाकिस्तानियों का दिल टूटेगा? बहुत दुखी पाकिस्तानी है। पहले ये बड़े खुश थे, इन्होंने $3,000 का ट्रैक्टर बेच दिया, आप इनको दुख लगा हुआ है, सुने इनका दुख। हाँ जी भाई, कितना दुख हुआ है? और दुख तो बड़ा की करिए, बस $3,000 की टिकट ली सी, वो भी जाया हो गई। मैं बिरयानी दी ऑफर दीती सी कि मैं बिरयानी खिलावांगे जैसे जितांगे, पर चलो वो पैसे बच गए मेरे। बैटिंग में क्या मसला है पाकिस्तान टीम के साथ बैटिंग? पता नहीं यार, लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, की होते हैं। स्कोर बड़ा अचीवेबल सी, कोई पता नहीं, समझ ही नहीं लगी कि कितों गेम स्विच हुई, बड़ा कंफ्यूजिंग जो मैच थी। लव लव खानी, मेरी बात सुने, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को क्या मशवरा दोगी? बैटिंग को, बैटिंग लाइन में जीता लेकिन आप बैटिंग को क्या मशवरा दोगी? आई थिंक बाबर आजम को 1 या 2 डाउन आना चाहिए, एज अ ओपनर नहीं आना चाहिए। रिजवान को ओपनर भेजते हैं, मेक सेंस। आई बिलीव रिजवान, देन फखर एंड देन अनदर, बट आई बिलीव बाबर आजम को थोड़ा 2-3 डाउन होके आना चाहिए ताकि थोड़ी सी होप हो। अब वो शुरू में ही जब बाबर आजम चला जाता है ना, तो पूरी टीम क्या सोचती है, बस अब कुछ नहीं हो सकता। सो जब मतलब मेन प्लेयर जाता है तो सारे हौसले टूट जाते हैं, तो आई बिलीव बाबर जी को ओपनर नहीं आना चाहिए। तो प्रेशर में दे शुड प्ले बेटर इन द प्रेशर सिचुएशन,
They did very well initially, but when it comes in pressure and when you play in the World Cup in big games, they always slip out. So it's very hard. So they need to learn on that part. Or a pitch is difficult, so they feel were difficult. They're already under like the weight went. And India really bowled good actually. The bowlers, the weight good. So we will say that in the pressure situation, mein acha khela. Like, see, wait, watch. If they had played ball by ball, they would have probably done cross the line. इतनी अच्छी बॉलिंग करवा के पाकिस्तान की जो बैटिंग ने किया है, आप क्या मशवरा देंगे इनको? पड़ोसी तो हैं आपके, हमसे आके सीख के जाए। आई थिंक वी प्लेड रियली वेल, बुमराह वाज एक्सेलेंट, आई थिंक ही वाज द बेस्ट बॉलर ऑफ ऑल। ओके, नहीं पाकिस्तान टीम का सारा अपर हैंड था, दे प्लेड शुरू में खेले अच्छा, उन्होंने टॉस जीता, ओवरकास्ट कंडीशंस में बॉल अच्छा किया सारा कुछ, बट कहीं ना कहीं वो मिडल ऑर्डर में आके आई थिंक दे मेड रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर की चेंजेस और अंडर प्रेशर आ गए एंड इंडियन टीम बॉल्ड वेल और वहीं से इंडिया मैच जीत गई। आपको लगता था कि इंडिया 119 पर आउट हो गया तो ऐसे होगा? तो मुश्किल, आई मीन पिच जैसी खेल रही थी उसके हिसाब से ऐसा लगा था कि मुश्किल रहेगा थोड़ा चेस करना, बट ओपनिंग अगर वो लोग सही करते हैं तो इट वुड हैव बीन इजीियर, आराम से खेल लेते थे, उतना पीछे तक आने की जरूरत ही नहीं थी गेम को। When they have the top players, you have Babar Azam, you have Rizwan to start off, वो दोनों ही खत्म करना चाहिए था गेम, 15 ओवर के अंदर खत्म होने की गेम थी ये। But can't do anything about it. इनको एंड तक खींचना नहीं था, इन्होंने एंड तक खींचा और वो प्रेशर किया। अक्षर पटेल का वो ओवर जिसमें कम रन आए, उधर ही हुआ क्या, आखिर में क्या हुआ? इसको नहीं बोले जा, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, सब बदल गया, बट इनके इतने आराम से नहीं लेना चाहिए, ईजी नहीं लेना चाहिए, चाहे गेम अगर मान लो फिर भी जीतने के जीत रहे हो, उतना इजीली नहीं लेना चाहिए, एंड ओवर तक खत्म नहीं होता। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे आपने देखा भारतीय फैंस काफी ज्यादा उत्साह में नजर आए, जहाँ पे भारतीय फैंस ने ना सिर्फ नाच गाना किया बल्कि पाकिस्तानियों को भी खूब छेड़ा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी मजेदार लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।